नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। सम्राट मिहिर भोज के लिए मंगलवार को होने वाले कार्यक्रमों पर कॉलेज प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। जिला कलेक्टर कौशलन विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए जिले भर में मिहिर भोज के लिए 30 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। कलेक्टर कौशलन विक्रम सिंह ने आदेश में साफ लिखा है कि सोशल मीडिया के जरिए 30 अगस्त को राजपूत और ब्राह्मण समाज द्वारा इतिहास बचाओ स्वाभिमान यात्रा निकालने का आह्वान किया जा रहा है। वहीं गुर्जर सेना द्वारा भी मिहिर उत्सव रैली और जनसभा करने की तैयारी जानकारी मिली है। मिहिर भोज मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, लिहाजा इन दोनों समाज में टकराव और विपरीत हालतों को रोकने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। दरअसल सम्राट मिहिर भोज पर गुर्जर और राजपूत दोनों समाजों ने अपने वंश के राजा होने का अधिकार जताया था। पिछले साल 8 सितंबर को ग्वालियर के चिरवाई नाका चौराहे पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित हुई थी। प्रतिमा की नाम पट्टिका पर सम्राट मिहिर भोज के स्थान पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा था। इसी बात को लेकर राजपूत समाज ने आपत्ति जताते हुए मिहिर भोज को अपने कुल का राजा बताया था, जिससे गुर्जर समाज और राजपूत समाज में विवाद हुआ था। जमकर बवाल भी मचा था। बाद में ये मामला हाईकोर्ट में चला गया। कोर्ट ने नाम पट्टिका ढकने के आदेश दिए, साथ ही सम्राट मिहिर भोज पर दोनों समाजों से दस्तावेज मांगे। चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा 30 अगस्त को दोनों समाजों की रैली आम सभा जैसे कार्यक्रमों से माहौल खराब होने की आशंका बढ़ गई है, लिहाजा कलेक्टर ने सभी आयोजनों पर रोक लगाई है। आदेश में लिखा है कि मिहिर भोज उत्सव या अन्य आयोजन के नाम पर जिले भर में कटआउट बैनर पोस्टर लगाने पर रोक लगाई है। साथ ही सोशल मीडिया पर जातिगत भड़काऊ पोस्ट पर रोक है। आपको बता दें, सोमवार को प्रशासन ने दोनों समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक की और आयोजन न करने की नसीहत दी, लेकिन दोनों समाज के लोग मिहिर भोज के नाम पर आयोजन को रद्द करने से मना करते रहे। यही वजह है कि कलेक्टर ने विधिवत आदेश जारी कर आयोजनों पर रोक लगाई है। नहीं, इसमें जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो पूर्व वर्ष में पिछले वर्ष में जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, और अभी उस संबंध में मामला जो है उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसी न्यायालयीन आदेश एवं न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है कि जो न्यायालय का आदेश है उसे पालन कराया जाएगा। तब तक जो है किसी भी इस प्रकार की जो है गतिविधि नहीं होनी चाहिए, जिससे कि न्यायालय की अवमान न हो और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो। इसमें जो है समाजों से चर्चा की गई है, और समाज से चर्चा करने के बाद और न्यायालय के आदेश के अवलोकन में लाने के बाद सबको बताया गया, समझाया गया कि किस तरीके से हम कानून व्यवस्था का ध्यान रखें, न्यायालय के आदेश का पालन कर सकें।